थकदी नी गड्डी तू आनीए ते जानीए हो कईयां नू विछोड़नी है कईयां नू मिलानी है हो कईयां नू मिलानी है होवे बंदा भावें किसे रंग दा टांगे वाला खैर मंगदा हो टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज़ अकमल एक प्यारे से व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, ये वो गाना है जो कि बाबा चिश्ती ने रिकॉर्ड किया, एक बहुत बड़ा नाम और बहुत से एजाज़ उनको हासिल हुए, और लेकिन हम जिक्र करने के वक्त बाबा चिश्ती जी चिश्ती साहब को भूल जाते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उनमें मैं समझता हूँ कि जितना स्कोर उन्होंने किया बाबा जी चिश्ती ने, वो किसी ने भी नहीं किया। इतनी सुपरहिट फिल्में बनाई, और एक ज़माना था स्टार्ट का जबकि उनका गाना, जो भी गाना मशहूर होता था तो लोग यही समझते थे कि ये बाबा जी चिश्ती का गाना रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बेशक किसी और का भी हो। इतने वो माशाल्लाह वो कारीगर थे अपने काम के उनका नाम बहुत था उस ज़माने में। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो पहली फिल्म, मतलब म्यूज़िकल फिल्म बनी, उसका नाम था फेरे, तो फेरे के मौसीकार भी वही थे। और मैडम नूरजहां की जो रिकॉर्डिंग हुई, सबसे पहले जो उनसे गाना गवाया वो भी बाबा जी चिश्ती साहब ने गवाया, जबकि मैडम नूरजहां की उस वक़्त उम्र सिर्फ 9 साल थी और वो बेबी नूरजहां के नाम से लोगों में जानी जाने लगी। फिर एक फ़िल्म आई जिसका नाम ससी, और फिर नौकर फिल्म आई, ये भी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में थी। और उस ज़माने में जो समझ लें कि सेंचुरी करने वाले सुपरहिट फिल्मों की, वो बाबा जी चिश्ती साहब थे जिन्होंने सबसे पहले सेंचुरी की 100 फिल्मों की, और बड़ी बेहतरीन उन्होंने अकमल ख़ान साहब की फ़िल्मों के भी गाने गाए। और मैंने उनको अपनी ज़िंदगी में भी हयात जब वो थे तब भी उनको देखा, वो बड़े प्यारे इंसान थे, मुंह में दांत भी नहीं थे उनके और बाल ऐसे, और बड़ा ही प्यार करते थे ऐसे ऐसे कि तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो, क्योंकि उनका तो ज़िंदगी का सफ़र उनके साथ गुजरा था। और वो बस रोते थे और बड़ा प्यार किया उन्होंने, अल्लाह खुदा की ज़ात पाक उनको खरीके रहमत करे और जन्नतों में जगह उनको दे। जो मसूद राणा साहब थे वो कहते थे कि बाबा चिये चिश्ती जो है वो मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा उनका है, कि जैसे उन्होंने मेरे से गीत गवाए और मुझे मसूद राणा बनाने वाले जो थे वो बाबा चिये चिश्ती साहब थे। बड़े बड़े मशहूर उनके गाने जो बाबा जिये चिश्ती ने रिकॉर्ड करवाए, जो मैंने आपसे गाया भी है कि टंगे वाला खैर मांगदा, बड़ा सुपरहिट गाना था। और टंगे वाला खैर मांगदा टंग लौर दा होवे ते भावें चंगदा, टंग वाला खैर मंगदा ओ टंग वाला खैर मंगदा, टंग लौर दा होवे ते भावें चंगदा। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी उनको नवाजा गया, उन पे खुदा की खास रहमत थी। और 1965 से लेकर 1994 तक माशाल्लाह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो जमे रहे, काम करते रहे और बड़ा प्यारा प्यारा उन्होंने काम किया। पैदाइश जो उनकी थी वो 17 अगस्त 1905 में वो पैदा हुए, और ग़ुलाम अहमद चिश्ती जो था उनका असल नाम, पूरा नाम ग़ुलाम अहमद चिश्ती था। और फिर मेरे वालिद साहब का जो बड़ा मशहूर गाना, जो आज भी टेलीविज़न पे और बड़ी जगहों पे उनको वो दोबारा गाया जाता है, नई लड़कियां लड़के गाते हैं, और बड़ा बेहतरीन वो गाना है कि आशिकां तो सोना मुखड़ा लुकान ली सजना ने बूए अगे चिखतान ली, ये बड़ा ज़बरदस्त गाना था, आज भी वो हयात है वो गाना, और बाबा जी चिश्ती साहब ने ही वो गाना तरतीब दिया था। एक फ़िल्म थी जिगरी यार, जिगरी यार का जो था वो गाना बड़ा मशहूर हुआ कि सोच के यार बनावी बंदे आ, सोच के यार बनावी होए, यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जावी, सोच के यार बनावी बंदे आ, यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जावी, सोच के यार बनावी बंदे।
और ये जो गाना था ये सारी फिल्म में ओवरलैप होता रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। बड़ा ज़बरदस्त गाना था, समझ लें कि वो बेस थी इस फिल्म की जो कि गाना वो बना, जो हसीन कादरी साहब ने लिखा और बाबा जी चिश्ती साहब ने उसको तरतीब दिया। बड़ा खूबसूरत गाना था, पीछे मैंने व्लॉग भी बनाया है जिगरी यार फिल्म पे, वो ज़रूर आप देखिए, बड़ा मज़ेदार व्लॉग बना है। और उसके बाद एक और छोटा सा वाकया भी है, एक दफ़ा मुझे जी चिश्ती साहब मिले और उन्होंने मुझसे ज़िक्र किया सारा, जैसे वो करते थे इधर उधर की बातें, और बातों में से बात निकली कि आपका, मैंने कहा पसंदीदा गाना कौन सा है आपकी लाइफ का, तो उन्होंने कहा यार गाने तो मेरे लिए सारे बराबर ही हैं, बड़े बड़े प्यारे गाने हैं और मेरी बिल्कुल दिल के करीब है सारे गाने, लेकिन एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कल्चरल गाना है, नगमा बेगम पे वो फिल्माया गया और फिल्म का नाम था जानी दुश्मन। तो उस फिल्म का जो गाना था उन्होंने ये मुझे बताया कि मैं छज पताशे वंडा अज कैदी कर लिया माही ने। और फिर नगमा बेगम ने बाबा जी चिश्ती साहब की जो फ़न का बहुत फ़ायदा उठाया और ज़्यादातर गाने उनके ही बनाए हुए थे जो नगमा बेगम पे पिक्चराइज होते थे, और नगमा बेगम का वो जो लाइफ का एक क्रेडिट बनता था। तो ये एक बड़ी बात होती है कि सारी जो एक टीम वर्क के हिसाब से हर कोई अपना जो वो फंक्शन करता है, अपना जो भी वो कर सकता है और जो उसको जॉब दी गई है वो करता है। तो आगे से जो नगमा बेगम थी वो भी माशाल्लाह सोने पे सुहागा थी। तो फिल्म हाथे जोड़ी का ही वो गाना है और नगमा बेगम पे पिक्चराइज हुआ, थोड़ा थोड़ा चन्न वेखिया थोड़ा रह गया घटा दे ओले। और फिर उन्होंने मुख्तलिफ सिंगर्स पे वो गाने बनाए और बड़ा बड़ा बेहतरीन काम किया। अनायत हुसैन भट्टी साहब पे भी उन्होंने गाना एक रिकॉर्ड उनसे करवाया और बड़ा मशहूर हुआ, बेहतरीन गाना था और ज़द-ए-आम हुआ। और दोनों जगहों पे के जो मज़दूर लोग थे वो भी उसको सुनते थे और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसको सुनते थे, वो दौर ही ऐसा था। और फिल्म का नाम था चन्न मेरे मखना और गाने के भी बोल कुछ यूं ही थे कि चन्न मेरे मखना हंस के एक पल इधर तकना, नजरा रस रैना दा चखना, वो चन्न मेरे मखना। चन्न मेरे मखना, चन्न मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना। और 1970 में फिर एक फिल्म आई भाईचारे के नाम से, तो उसमें भी फिर एक गाना नगमा बेगम पे पिक्चराइज हुआ और गाना बड़ा प्यारा था, सैड सॉन्ग था कि अखियां दे हंजुआं दी टूट गई है माला, मिल गया हंजुआ नू देस निकाला। और फिर 1970 में चन्न पुत्र के नाम से एक फिल्म आई और ज़मुर्रद बेगम का भी उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त दौर चल रहा था और गाना बड़ा मशहूर हुआ, सानू भी लै चल नाल वे बहु सोहनी गड्डी वालिया। और ऊंची हवेली एक फ़िल्म बनी जो कि 1971 में रिलीज़ हुई, नगमा बेगम पे गाना पिक्चराइज हुआ, गाना बड़ा प्यारा था, सैड सॉन्ग था कि वादा करके मुकरे जेड़ा सजन नहीं हूँ वैरी ये, मैं नहीं कहंदी मुकरन वालिया सारी दुनिया कहंदी। एक और बड़ा मीठा और बड़ा प्यारा गाना जो कि ज़मुर्रद पे और हाजी इकबाल हसन साहब पे जो पिक्चराइज हुआ, फिल्म का नाम था चन्न तारा, गाना बड़ा ही प्यारा है और गाने के बोल कुछ यूँ थे कि तक चन्न पिया जांदा ही वेख वेख मेरे चन्न नू पिया मुखड़ा लुकांदा ही। वेख वेख मेरे चन्न नू
और व्यूअर्स बड़े बड़े मौसीकार आए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, आप भी जानते हैं बड़े 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 नाम जो हम जिनको जानते हैं कि इतने बड़े नाम थे, लेकिन जो इज़्ज़त खुदा की ज़ात पाक ने बाबा जी चिश्ती को अनायत फरमाई और इतने सुपरहिट गाने जिनमें से चंद मैंने आपके खिदमत में पेश किए हैं और सैकड़ों ऐसे गाने हैं जो सुपरहिट गाने हैं और उन्होंने बनाए, बड़ी मेलोडी उनकी बड़ी प्यारी थी, बड़े अवामी गाने जो उन्होंने बनाए और बड़ी प्यारी तर्ज रखी, सीधी सादी आम इंसान भी गा ले और वो कहानी के अंदर भी बड़ी वो फिट आती थी, वो जो भी तरतीब करते थे, तो माशाल्लाह खुदा की ज़ात की उन पे रहमत थी, उन लोगों पे वो नेक नियत इंसान थे तो फिर ही इतनी इज़्ज़त मिली। और जितने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आप सिंगर देख रहे हैं जो मशहूर सिंगर हैं, तकरीबन सभी उनके हाथ से ही आगे गए हैं और वो सिंगर बने हैं। उन चंद लोगों में मैं आपका जिक्र करता हूँ उन लोगों का जिनमें नूर जहाँ सरफरिस्त हैं, उसके बाद ज़ुबैदा खानम को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उनको पहले कदम पे खुशामदीद कहा और अपना गाना उन पर पिक्चराइज करवाया। उसके बाद सलीम रज़ा साहब थे, नज़ीर बेगम थी और परवेज़ मेहंदी साहब थे जिनसे उन्हें गुवाया और बड़ा उनका नाम हुआ, नसीम बेगम, माला, मसूद राणा, ये बहुत बड़े नाम थे जिनको इंट्रोड्यूस करवाया बाबा जी चिश्ती ने, उन्होंने ही इनको लाइक किया और गाना रिकॉर्ड हुआ और आप लोगों तक पहुंचा। तो उनकी जो ये व्यूअर्स, ये एक व्लॉग था जो कि मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ें लेके बाबा जी चिश्ती साहब की ज़िंदगी पे वो बनाया और जो फिल्मी ज़िंदगी थी, तो उनकी जो फिर खुदा की ज़ात पाक की रज़ा से ही सारा कुछ होता है, तो उनकी जो वफ़ात थी वो 25 दिसंबर 1994 में वो वफ़ात उनकी हो गई और वो हमसे बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े अच्छे बुज़ुर्ग थे, अब तो हमारे वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत प्यारे इंसान की व्लॉग था, मेरे दिल के बहुत करीब थे बाबा जी चिश्ती साहब, तो मैंने सोचा कि वो व्लॉग बना के आपकी खिदमत में पेश करूं और इतने इतने बड़े जो गाने थे वो आपको भी इलम हो कि वो बाबा जी चिश्ती साहब के मौसीकी की तरतीब थी जितने भी थे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स मैं अपने व्लॉग का अख्ताम करता हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।